आपको ट्रिमिंग, रेजर, वैक्सिंग अवॉइड करनी कि पैची बियर्ड आती है या फिर सरवन सिंह की तरह 18 फीट लंबी बियर्ड आती है। बॉडी के एक्स्ट्रा फेशियल हेयर हमें अनिल कपूर बनाते हैं, जो के बाल बड़ा रखे होते हैं, होठों पर आ रहे होते हैं जो बहुत गंदी, उसके अंदर होता है एक टिश्यू जिसे हम डेंटिन बोलते हैं, जिसका वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ फैशन, माय नेम इज सुहेल जैन। तो यार आज हम बात करेंगे ऑल स्किन केयर हैक्स के बारे में, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चाहे बात करें आपके एक्ने, ब्लैक हेड्स, हेयर, बियर्ड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, कुछ भी मिस मत करना। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं आपके आईब्रोज की। अब कुछ महान आदमी ये बोलेंगे यार ये तो लड़कियों के ध्यान रखने की चीज़ है, हम क्यों इसकी टेंशन लें। अगर आपकी भी यही सोच है तो सच बता रहा हूँ, आप कभी भी हैंडसम नहीं लग सकते, क्योंकि यार वो बड़ी बड़ी आईब्रोज, जॉइंट आईब्रोज किसी के ऊपर भी अच्छी नहीं लगती। और अगर आप 17-18 की एज से निकल रहे हो या इस एज में चल रहे हो, तो इस एज में तो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है अपनी आईब्रोज का। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो आईब्रोज को शेप में लाने वाली हर एक टेक्निक अच्छी नहीं होती। बहुत से लोग प्लकिंग करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। प्लकिंग आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्लकिंग करने से वहां पर एक्ने आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या है इजी टेक्निक्स, आपको ट्रिमिंग, रेजर, वैक्सिंग अवॉइड करनी है। आप थ्रेडिंग करा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होती है और आपकी आईब्रोज को बारीक से बारीक शेप ले आती है। तो थ्रेडिंग कराने के बाद आपको ये चीज खासकर ध्यान रखना है कि थ्रेडिंग कराने के बाद आपकी दोनों आईब्रोज ऐसी होनी चाहिए जो जुड़मा बहन लगे। एंड दूसरा क्या है, दोनों आईब्रोज के बाल छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, दोनों बराबर के होने चाहिए। एंड लास्ट, आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में जो गैप होता है, जो बीच का जो गैप होता है, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अब जुड़मा बहन बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें जुड़ा हुआ ही रहने दें। एंड नेक्स्ट, बियर्ड केयर, चाहे आपकी पैची बियर्ड आती है या फिर सरवन सिंह की तरह 18 फीट लंबी बियर्ड आती है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको उसे हर 10 से 15 दिन के अंदर ट्रिम करना है। क्योंकि बात करें आपकी पैची बियर्ड की, तो 10-15 दिन के बाद पैच पर बाल इकट्ठे होने लगते हैं, जो बहुत ही ज्यादा वाहियात लगते हैं। और अगर आपकी भर के बियर्ड आती है और आप उसे टाइम टू टाइम ट्रिम नहीं कराते, तो बाल करली होने लगते हैं, आपका चेहरा मोटा मोटा फूला फूला लगने लगता है और आपका फेस कट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको ध्यान के रखना है, आपको सेटिंग टेक्निक्स का यूज करना है, मतलब खत बनवाते टाइम आपको कट कहां लगवाने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी बियर्ड के ऊपर साइड की, तो जहां से आपकी कान की लेंथ खत्म हो रही है और जहां से आपके होठों की लेंथ शुरू हो रही है, वहां से वहां तक कट लगवाना है। और अगर नीचे की बात करें, आपकी बियर्ड के नीचे की बात करें, तो आपकी जो जॉलाइन है वहां से 1/2 इंच नीचे और साइड से 1/2 इंच पीछे कट लगवाना है। और बियर्ड केयर के लिए आपको क्या करना है, मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं अपनी बियर्ड पर, कट वॉश लगा सकते हैं जो आपकी बियर्ड में होने वाले डैंड्रफ को खत्म करता है। एंड लास्ट, आपको हार्ड सोप अवॉइड करने हैं। आपको पता है एक अच्छा हेयर स्टाइल आपकी स्टाइलिंग का गेम बढ़ा भी सकता है और एक बुरा हेयर स्टाइल आपकी स्टाइलिंग का गेम खराब भी कर सकता है। आप करते क्या हो, आपने ऊपर के बाल तो सेट कर लिए, अच्छी तरह से सेट कर लिए, लेकिन जब आप हेयर कट करवाते हो, उसके हेयर कट करवाने के कुछ दिन बाद आपके कानों पर बड़े बड़े बाल आने लगते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो मुड़ने लगते हैं, जो बहुत ही ज्यादा वाहियात लगते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, आप एक ट्रिमर घर पर ले आओ, 400-500 रुपए में इजिली मिल जाती है। तो जब भी आपको लगे कि आपके कान के बाल बड़े हो रहे हैं, तो आप 2 नंबर के कंघे से आपकी साइड के नीचे से फेड कर लें उसे, जो आपके कानों पर, आपकी नेक पर जो एक्स्ट्रा बाल आते हैं, उन्हें भी आप 0 नंबर से ट्रिम कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये भी होगा कि एक तो बार बार आपको सैलून जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप घर पर ही कर लोगे, आपके पैसे भी बचेंगे एंड आपका डेली हैंडसम लुक रहेगा। और हेयर को मेंटेन रखने के लिए बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो डेली शैम्पू कंडीशनर का यूज करते हैं, जो बहुत ही बड़ी गलती है, हेयर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। अगर अपनी बात करूं तो मैं हफ्ते में 1 ही बार हेयर वैक्स, 1 ही बार हेयर ऑयलिंग, 2 बार शैम्पू, 2 बार कंडीशनर का यूज करता हूँ। नेक्स्ट, लिप केयर। पिंक लिप्स सबको पसंद होते हैं, लेकिन एक अच्छे लिप्स के लिए कलर कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो हेल्दी होने चाहिए, फटे फटे ड्राई नहीं, वरना वो बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको लिप बाम यूज करना है, और जब भी आप कोई भी लिप बाम यूज करें, तो उसमें ये चेक जरूर से करें कि SPF उसमें होना चाहिए, जो हम सनस्क्रीन में देखते हैं, क्योंकि सन की हार्मफुल यूवी रेस हमारी स्किन के साथ साथ हमारे होठों को भी टैन करती है, क्योंकि उसकी भी स्किन थिन होती है। और आप हफ्ते में 1 बार अपने होठों पर स्क्रब भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको 1 चम्मच लेना है हनी और 1 चम्मच ही मिल्क और कॉफी। और जब भी आपके लिप ड्राई हो जाए, तो उनको चाटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाटने से वो थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन चाटने के कुछ देर बाद में बहुत ही ज्यादा बुरे हो जाते हैं, पहले से ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। एंड इस पीरियड में आपको चाय और कॉफी अवॉइड करनी है। बॉडी के एक्स्ट्रा फेशियल हेयर हमें अनिल कपूर बनाते हैं, जो कि हमें नहीं बनना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बात करते हैं आपकी नाक की। नाक के बालों को बहुत से लोग एकदम भूल जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता, नीचे से निकल रहे होते हैं बहुत लंबे लंबे, तो आप एक
स्मॉल सीजर घर पर ही लाकर रख लें, जो आप टाइम टू टाइम उन्हें कट कर सकें। और क्या, बहुत से लोगों को चाय के अंदर मूंछों के बाल डुबाकर पीने की आदत होती है, ये बहुत गंदी आदत होती है। मूंछों के बाल बड़ा रखे होते हैं, होठों पर आ रहे होते हैं, जो बहुत गंदी आदत है। आप एक स्मॉल सीजर घर पर ले आएं, जिससे आप नाक के और मूंछों के टाइम टू टाइम उन्हें कट कर सकोगे। एंड अगर आपकी बियर्ड की बात करें तो वहां आपकी जो लाइन होनी चाहिए, बियर्ड की लाइन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जहां से आपकी कानों की लेंथ खत्म हो रही है, होठों की लेंथ शुरू हो रही है, वहां से वहां तक उसके ऊपर आप थ्रेडिंग करा सकते हैं। एंड आपको वैक्सिंग रेजर ट्रिमिंग अवॉइड करनी है। और क्या, अगर आपकी बियर्ड पे हार्ड हार्ड बाल आते हैं तो आप अपनी लाइन को, अपनी बियर्ड की लाइन को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि हमें थ्रेडिंग सिर्फ सॉफ्ट वालों पर करानी होती है, हार्ड वालों पर नहीं। हार्ड वालों पर कराएंगे तो रेडनेस, एक्ने, बंस के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए सॉफ्ट वालों पर ही कराएं। अगर आपके हार्ड वाला रहे तो आप उसकी लाइन थोड़ी सी ऊपर रख सकते हैं। थ्रेडिंग कराने के बाद आप मुल्तानी मिट्टी का पैक अपने फेस पर जरूर लगाएं, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। और क्या, आपको फोरहेड पर रेजर ट्रिमर अवॉइड करनी है, जिसकी वजह से कुछ दिन के बाद वहां से ग्रीनी ग्रीनी हार्ड हार्ड बाल निकल कर आते हैं, सुइयों की तरह लगते हैं वो बाल। मैं कहता हूं कि आप वहां पर थ्रेडिंग कराएं अगर आपके बाल हैं तो, लेकिन अगर बाल नहीं है तो आपको वहां पर थ्रेडिंग कराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाल तो फिर भी निकल कर आएंगे, वो बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं, इसलिए आप वहां पर जैसे है वैसे ही रहने दें। बात करें आपके दांतों की, तो बेसिकली हमारे दांतों के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे हम एनेमल बोलते हैं। और जब हम अपनी गंदी डाइट रखते हैं, दांतों का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ खाना ही खाना, उनसे खाने का ही काम लिए जाते हैं, तो वो लेयर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। और उसके अंदर होता है एक टिश्यू, जिसे हम डेंटिन बोलते हैं, जिसका कलर पहले से ही पीला होता है। और जब उसकी लेयर कमजोर होने लगती है तो डेंटिन बाहर आता है, टिश्यू बाहर आता है, जिसका कलर पहले से ही पीला होता है, तो हमारे दांत ऑटोमेटिकली ही पीले होने लगते हैं। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, आप जब भी अचार करिए, स्मोकिंग या ड्रिंक करें, तो उन्हें करने के तुरंत बाद आपको कुल्ला करना है। एंड आप ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं, जो कि आयुर्वेदिक टेक्निक है, जो हमारे दांतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी खत्म करता है और हमारे दांतों को बहुत अच्छी तरह से क्लीन भी करता है। नेक्स्ट, ब्लैक हेड्स। अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर बाहर के पोल्यूशन की वजह से आपके चेहरे पर धूल जम जाती है और आप रात को फेस वॉश करके नहीं सोते, तो वो एक ही जगह जम जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड बनता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको 5 से 6 मिनट भाप लेनी है और उसके बाद आपको ब्लैक हेड रिमूवर का यूज करना है, जो 50 रुपए का ऑनलाइन मिल जाता है, उससे आप हल्का सा दबाएं, वो इजिली निकल जाता है। अगर आपको ये भी नहीं करना तो एक ब्लैक हेड स्ट्रिप आती है, उसे भी आप 5 से 6 मिनट के लिए लगा कर रखें, फिर आराम से उसे छुड़ाएं, ब्लैक हेड्स आपके एकदम निकल जाते हैं। एंड इस प्रोसेस को करने के बाद आप मुल्तानी मिट्टी लगाएं, जिसकी वजह से जो आपके पोर्स खुलते हैं वो आसानी से क्लोज हो जाते हैं और आपके ब्लैक हेड्स दोबारा आने के भी चांसेस नहीं रहते। लास्ट, आई केयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, कि यही हमें सामने वाले से कनेक्ट करती हैं। और अगर आपकी आंखें टायर्ड हैं, आपकी आई टायर्ड हैं या फिर उन पर डार्क सर्कल हैं, जो बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, आपको डेली सनस्क्रीन का यूज करना है, क्योंकि हमारी आंखों के नीचे की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है, जिसकी वजह से सन की हार्मफुल यूवी रेज उसे टैन करती है, तो सनस्क्रीन इसके लिए बेस्ट है। और क्या, आप विटामिन सी सीरम का भी यूज कर सकते हैं, डेली यूज करना है आपको। अगर आप ये सब करना नहीं चाहते या फिर आप बहुत ही ज्यादा कंजूस हैं, तो आप बेसन, टमाटो जूस और बटर मिल्क का आप पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। तो यार, ये थी ऑल स्किन केयर कंप्लीट पैकेज। इसके बाद आपको स्किन केयर के लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ बेस्ट प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।